रफीक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदराबाद रफीक। तो दोस्तों आज हम तुरका यामजल जो मंडल बालापुर और डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी में आए हैं, जहां पे 400 साल कदीम दरगाह शरीफ है, पाए के बुजुर्ग है जिनकी करामतें हैं और यहां के जिनके आज उनका उर्स शरीफ है 16 सफर के दिन, तो वहां का वीडियो बनाने के लिए आए हैं। वहां के निगरानकार जो संदल ने मुबारक यहां से निकलता जुलूस से संदल, तो हम जनाब मोहम्मद जुल्फिकार अली साहब जुल्खदर अली साहब के घर पे पहुंचे हैं। आइए उनसे कुछ बाबा के बारे में करामत मालूम करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हमारे बारे में बताइए। सैयद सहाबी मौलिया की बहुत बड़ी करामत है। अब आपकी मेरी उम्र के हिसाब से मैं जब से देख रहा हूँ उनके बहुत सारे करामत चल रहे हैं। हमारे बड़े लोग यहाँ बोलते थे कि सैयद सहाबी मौलिया रात में 12 बजे के बाद शेर पे सवार होके फिरते थे। जैसे उनके मकाम से निकलते थे, एक बस्ती से निकल के सीधा मस्जिद के सामने से आगे जाने के बाद हनुमान मंदिर है, वहाँ से निकल के जो है अपने मकाम पे पहुँच जाते थे। बहुत बड़े करामत हैं उन लोगों की। उसके करामत के अलावा भी मैं अपने साथ जो गुजरा है बोल रहा हूँ। मैं हम इनका चंदा वसूल करने के वास्ते गए थे। मैं हमारे मस्जिद के सदर साहब सैयद सलीम साहब और मैं हमारे एक दोस्त है रहील, हम तीनों सब गए थे। सलीम भाई जो है गाड़ी से स्लिप होके तकरीबन जो है 100 मीटर आगे निकल गए गाड़ी को रेंगते हुए, घिसट लेते हुए। ना सलीम भाई को चप्पल निकली पैर में से, ना किसी मकाम पे खिरो चाहिए उनको। उनकी एक करामत है क्योंकि उनके काम से निकले थे हम। अंबर पेट के पास ब्रिज से पहले गाड़ी स्टार्ट हो गए, सलीम भाई फिसल गए। 100 मीटर तक, 50 मीटर 100 मीटर तक घस लेते आगे पूरी जमीन से, उन्होंने डामर रोड पे जर्री भी खिरोच नहीं आई। उनकी ये करामत है। हम मैं सलीम भाई गाड़ी पे जा रहे थे, मेरा पैर जो है पूरा फुटपाथ पे पलट गया। मैं समझ गया मेरा पैर टूट गया, मगर जब मैं पलटा तो मेरा पैर सलामत है। अल्लाह उनके पास बहुत बड़ी करामत है। और उनसे लोग फायदा नहीं उठा रहे हमारे गाँव वाले। अगर उनसे फायदा उठाना है तो हर जुमेरात को अगर मुकाम पे पहुंचा हमारा महल्ले के जो भी मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम जो हिंदू कोई भी कौम का आदमी, जो भी कौम का है बंदा इंसान, अगर उन्हें जाके हम अपनी मन्नत मांगा तो हम पूरी होने वाली, इतना हम पे भरोसा है उनके ऊपर। बहुत बड़ी करामत है उनकी। सैयद शाहबी बोलिया नदीमुल्ला हुसैनी तुर्का में 400 साल पहले की है वो मजार। वो अभी भी उनके ऊपर छत नहीं है, वो ऐसा है उन्होंने छत नहीं डालना बोल के बोले तो ओपन ही रहते हैं। बहुत बड़ी करामत है उनके पास। बस एक झाड़ था वहां पर बड़का जी, वो गिरा उनके ऊपर मगर उनको खरोच नहीं आई, बाजू गिरा। हालांकि पूरा उनके ऊपर का था मगर उनको नहीं गिरा, बाजू गिर के उनकी मजार को झक्का भी नहीं लगा। उनकी ये करामत है। और अब मैं ज्यादा भी कुछ आगे ज्यादा भी मेरे को नहीं बोल सकता। मैं मेरे को जितना मालूम है मैं बोला हूँ। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से आज का पूरा 16 सफर सरकारी महीने से अपने को मतलब नहीं, हर 16 सफर को बहुत धूम से संदल होता है, खवाली का प्रोग्राम रहता है। 15 सफर को जो गुसूल देते हैं, पूरे गांव के लोग जाके जमा होके 15 सफर को गुसूल देते। 16 सफर को बड़ा प्रोग्राम होता खवाली के साथ, बहुत बड़ा मजमा, 1000 आदमी का मजमा रहता। और फिर 17 सफर को जो है खाने का इंतजाम रहता, 16 सफर को खाने का इंतजाम रहता, रात में शाम में खाने का इंतजाम रहता जी। और सुबह में भी खाने का इंतजाम रहता, मटन कोई भी मजहब का आदमी खा सकता, आम खास दावत रहती वो, इन्हें खाया उन्हें खाया नहीं, आम खास दावत, पब्लिक इशू है वो, जो आया खा लिया दरबार के अंदर सरकार के, बस खा लिया और चले गया। बहुत बड़ी करामत। संदल कहाँ से निकल के कहाँ तक पूरा गाँव फिर? संदल जो है कमेटी हाल से, मुस्लिम कमेटी हाल से निकल के आगे स्टेट हनुमान मंदिर, उसके पास से निकल के टर्न हो के मुंसिफ मस्जिद, मस्जिद के बाद मुंसिफ ऑफिस, उसके बाद से सीधा निकलते हुए उनके मुकाम पे पहुंच जाता। 1 किलोमीटर का रन है वो जी। तो ये थे देखिए मीर जुल्फिकार अली सॉरी मैं जुल्फिकार अली साहब बोल रहा हूँ, जुल्फिकार अली जनाब मीर जुल्फिकार अली साहब थे। यहाँ के यामजाल के गाँव के कदीम लोगों में से है ये आप हमारे। और एक बात भी है, हमारे सदर साहब सैयद सलीम साहब जी भी हमारे गांव की मस्जिद के मोहतमद साहब है, और जो है रशीद सदर साहब है, रशीद मोहतमद साहब है,
मगर मौका सलीम भाई के घर पे ने उन्होंने मेरे पास भेज दिए। सलीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सलीम भाई के घर पे गए थे अभी, इंशाल्लाह सलीम भाई मिलने के बाद उनसे भी चार चंद बातें कर लेंगे। सलीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे घर पे भेजे उन्होंने, मैं उनका क्या बोलते हो अभी थोड़ी से जाके अगर सलीम भाई से भी इंटरव्यू थोड़ी बहुत ले लो उनसे भी जी। दरगाह अभी 9 बजे 10 बजे तक जो है सलीम भाई भी दरगाह शरीफ में आएंगे उन्होंने भी। हम भी सब वहीं रह रहे हैं। सलीम भाई की ये साल में जो है गुलपोशी करने का है, एक 4-5 आदमी की गुलपोशी होंगी वहाँ पर बड़े अच्छे पैमाने के साथ, सदर साहब की, मोतमद साहब की, और भी जो है दरगाह के। अभी फिलहाल दरगाह सैयद शाहबी वालिया दरगाह का जो है मैं कमेटी का सदर हूँ, मैं जुल्कदर। अब सबकी गुलपोशी होंगे वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई मेरे घर पे पहुँचे। आप जरा जाके अगर सलीम भाई से भी कुछ इंटरव्यू ले लिया तो जी मेरे को बहुत खुशी होती। शुक्रिया। हाँ खोल दीजिए एक लाभ। उनको बीच में लाओ जी, उनको ज्ञान
Thank you.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो दोस्तों आज हम आए हैं तुरकायामजाल गांव में, जहां पे एक दरगाह शरीफ है कदीम 400 साल सैयद शाह हबीबुल औलिया के नाम से 400 साल कदीम दरगाह शरीफ है, जहां का आज 16 सफर उल मुअज्जम 1446 हिजरी को आज उनका संदल है। तो इसी सिलसिले में हम आए हैं। देखिए जुलूस से संदल बरामद हो चुका है और धीरे 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 पूरा गांव फिर के दरगाह शरीफ के करीब में पहुंच रहा है अभी। और ये दरगाह है, देखिए मंडल आता है इसे बालापुर और डिस्ट्रिक्ट आता है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये नादरगुल से तकरीबन एक 3-4 किलोमीटर दूर पे होगा तुरकायामजाल में ये दरगाह शरीफ है सैयद शाह हबीबुल्ला औलिया साहब की दरगाह है। जो सुनाते हैं कि यहाँ के मुकामी लोग 400 साल कदीम दरगाह है और आपके करामात फैजों करामात भी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं दरगाह शरीफ में, और दरगाह शरीफ में चल के अभी संदल का जुलूस पीछे आ रहा, देखिए मिलते हैं दरगाह शरीफ में। तो ये है देखिए दरगाह हजरत सैयद शाह हबीब औलिया। चलिए दरगाह में चलते हैं। Oh, my God.
रहमतुल्लाह ताला अलैह के कई पांचों हजरात के गुलपोशी करने के लिए वो हजरात के सामने आ जाए कि वीर इमरान अली साहब और मोहम्मद शकील साहब और सैयद फरहान साहब और वीर फैसल अली साहब और सैयद नजीब साहब वो सामने आ जाए और अपने अपने हाथों में एक सेकंड भाई, इमरान अली साहब कर रहे हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत और दूसरे नंबर पर जनाब पोशी के साथ साल शाल पोशी भी भाई जरा इधर देखिए जनाब अब्दुल रशीद साहब मोहतमद जामा मस्जिद तुर्का अंजाम उनकी गुलपोशी मोहम्मद शकील साहब करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदराबाद रफी, आवाज बुलंद करो जी, खामोश बैठे तो नहीं। नारे तकबीर, जनाब मीर कुतुब अली साहब को ऑपरेशन मेंबर तुर्का अंजाम इनकी गुलपोशी जनाब सैयद फरहान साहब करेंगे। जनाब सैयद फरहान, इधर चले आ तो खाली पीटे आ रही, इधर पलट के नहीं देख रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद शाह हबीब औलिया। अब जनाब मीर ज़ुल्क़द्र अली साहब जो सदर है दरगाह सैयद शाह हबीब औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के, उनके गुलपोशी सैयद नजीब साहब फरमाएंगे। नारे रिसालत, हजरत सैयद शाह हबीब औलिया, हजरत सैयद शाह हबीब औलिया। ये हमारे मस्जिद के इमाम साहब है। अस्सलाम वालेकुम। 20 साल की सर्विस है तुर्की में। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो एक सब ले सकते हैं। इंशाल्लाह कल असर में आ जाएंगे।
माशाल्लाह देखिए यामजाल के नौजवान है जो अभी गुलपोशी करे सदर साहब की मोहतमद साहब की, ये सब यामजाल के नौजवान बच्चे हैं। देखिए माशाल्लाह इनका जज्बा देखिए। और दरगाह शरीफ 400 साल पुराना पुराने हैं हजरत की दरगाह शरीफ, और यहाँ का उर्स माशाल्लाह यामजाल नादरगुल से कितने किलोमीटर है भाई? नादरगुल से 1.5-2 किलोमीटर दूर पे है तुर्का यामजाल, जहाँ पे मस्कती की डेयरी फार्म है ना, वहाँ पे अगर किसी को तुर्का यामजाल नहीं मालूम बोले तो मस्कती की डेयरी फार्म जहाँ पे है वो मालूम है वहाँ पे। ये देखिए आप लोग आ सकते हैं। अगर यहाँ ज्यारत के लिए आना बोले तो किधर से आना भैया? जरा आप लोग जरा आप कौन बताएंगे? मस्कती को आए बाद में थोड़ा आगे आए बाद में कमान दिख जाएंगे आपको यामजाल पे। यामजाल का कमान रहता सीधा अंदर आ गया, बोले तो शिवाजी का एक पुतला था लेफ्ट ले लेके सीधा अंदर आ गया था, किसको भी पूछे तो बोल देते भैया। ओके शुक्रिया। आइए आप लोग यहाँ पे जुमेरात जुम्मा आइए ज्यारत कीजिए। बुजुर्ग की जो हजरत किबला है उनकी करामत बहुत है यहाँ पे, करामत सुनाए जाके। बाहयात थे जब सरकार यहाँ पे शेर पे सवार हो गए तशरीफ लाते थे कहते, यहाँ के बुजुर्गों से सुने सो है। और यहाँ के अब जो बुजुर्ग हैं वो बुजुर्ग सुनाए सो है माशाल्लाह। और हमारे साथ हम हैदराबाद रफीक थे और यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए आए थे। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है और हम आ चुके हैं यहाँ हजरत सैयद शाबी बलिया के उरस में, और यहाँ उरस जो है हर साल मनाया जाता है और हम लोग धूमधाम से करते हैं यहाँ का उरस। ये जो है आपको यामजाल में लोकेट होगा, यामजाल के कमान का नाके किसको भी पूछे तो इसका एड्रेस बोल देते आपको। यहाँ जो है तुर्कमजाल का जेट पेचस पे आके मतलब रोड है उधर, किसको भी आके पूछे तो आपको एड्रेस बोल देंगे। मंडल अब्दुल्लापुर में मंडल है, तुर्कमजाल विलेज है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है अपना, रंगारेड्डी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पूरा एकदम लाइन से बोले तो।